नमस्कार प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। हमने कल डेफिनेशन देखी थी कि भाई ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है या फिर रिडक्शन की डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि नहीं, मतलब रिएक्शन के अंदर, वो कल हमने देखा था। आज हम हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने खाली ऐसे ही रफली पढ़ाया था आपको ऑक्सीडेशन नंबर। अभी उसको रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, कि क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते रहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। बराबर ध्यान रखते हैं अभी ऑक्सीडेशन नंबर, तो उनके अंदर सबसे पहला जो भी बेसिक रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो ये है रूल वन, कि जो भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है, क्या होती है न्यूट्रल स्पीसीज, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरो। तो ध्यान रखना है हमें, जो भी न्यूट्रल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेते हैं? जीरो। गुजराती में कहेंगे तटस्थ जो प्रजाति हो, मतलब जब भी तटस्थ स्पीसीज है एना ऑक्सीडेशन नंबर आपने जीरो लेशू। न्यूट्रल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें जीरो लेना होता है। अब न्यूट्रल मतलब जिसी के ऊपर, जिसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, उसका हम जीरो लेते हैं। खास करके यहाँ पे एलिमेंट की बात है। किसकी बात है? एलिमेंट। एलिमेंट समझते हो? ओ भाई सेंटिमेंट। एलिमेंट समझते हो कि नहीं? एलिमेंट मतलब दिया एलिमेंट जे भी मतलब नाम दिया के सीता जय गंगा गायत्री राशि। हाँ एलिमेंट चिकनी चमेली एलिमेंट। अरे वो नहीं, मैं एलिमेंट का डेफिनेशन चाहिए। मिर्जापुर एलिमेंट का डेफिनेशन तू भाई सहारनपुर। उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। देख ईसा एंट्री करी, वेरी गुड। सेम एटम से बना हो क्या है? एलिमेंट। जनरली सेम एटम से बना हो उसको एलिमेंट कहते हैं, और उसका ही ऑक्सीडेशन नंबर हम जनरली जीरो लेते हैं। मान लो हमें ऐसा बोले भी पी फोर है, पी फोर के अंदर ऐसा पूछे कि पी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या लेना है? जीरो। क्योंकि पी फोर एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। फॉस्फरस का एक फॉर्म है पी फोर, सब उसके अंदर पी होंगे चारों के चार, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। समझिए, मान लो हमें बोल दे भी बी आर टू है, इसके अंदर पूछे बी आर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। तो पहला ये रूल वन है कि जो भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है और खास करके उसके अंदर बात चल रही है एलिमेंट्स की, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं? जीरो। हम बोल देंगे कि सोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? न्यूट्रल दिया है सोडियम, ऐसा कोई ऊपर लिखा नहीं है प्लस माइनस, तो जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। समझ रहे हो, है ना? एसिड है इसका जीरो। ये रूल वन है, लिख दो। रूल वन यही है कि भाई जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है और वो हमें अगर एलिमेंट के फॉर्म में दे के रखी है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं बच्चों? जीरो लेते हैं। अगर तटस्थ अणु है अपने आप है तत्व स्वरूप में है, तो अपने एनो ऑक्सीडेशन आंक हमेशा शून्य लीए छे। आया नहीं समझ में? समझ में आया कि नहीं आया ना? साइज बढ़ाओ। इनर वेयर क्लोथिस की साइज इंक्रीज करवाओ। हिमांशु कहेगा सर पूरे
पूरे क्लास में सबसे बड़ा साइज मेरा है। है वो समझ में नहीं आया। इतनी भी साइज पढ़ाने नहीं। रूल वन समझ में आ गया। ओके अभी रूल नंबर टू बराबर। मॉलिक्यूल दे हमें, क्या दे? रूल नंबर टू, हमें अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वही उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है। मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वही उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो हमें बोले कि भाई H2O है, क्या है? H2O। अबे ऐसा पूछे कि H का निकालो या O का निकालो तो हम निकाल देंगे, लेकिन ऐसा बोले पूरे H2O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या बोले? पूरे H2O। तो फिर इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या चार्ज है इसके ऊपर? जीरो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? जीरो। देखो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो हमें बोले कि H2O का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोले? H2O का ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा क्वेश्चन हमें ये बोले कि भाई H2O है उसमें से O का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर O का पूछा है तो हम जो पुरानी हमारी मेथड है जो हमने सीखा था वो X मतलब O को O रखेंगे, H का हम सोच लेंगे उस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन O का नहीं पूछ रहे, पूरे H2O मॉलिक्यूल का पूछ रहे, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो। तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो हमें ऐसे पूछे कि भाई H2SO4 है, क्या है? H2SO4 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पूछे? H2SO4 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर। मॉलिक्यूल समझते हो? पूरे H2SO4 अणु का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हमें अगर, तो क्या लेंगे? जीरो, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ले लेंगे? जीरो। समझ रहे हो ना? H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछ रहे हैं तो क्या लेंगे? जीरो। हाँ, अगर H2SO4 के अंदर खाली S का पूछा होता तो वही पुरानी किसी भी टी हुई मेथड, इसका लो प्लस करो प्लस करो, समझे? उस हिसाब से जुला रहे थे। लेकिन अभी मैं खाली ये सिखा रहा हूँ पूरे मॉलिक्यूल का पूछे तो क्या करना है, समझे कि नहीं? पूरे मॉलिक्यूल का पूछे तो क्या करना है, तो जीरो लेना है, समझ गए? चलो एक दूसरा है, हमें पूछा कि NH4+ है हमारे पास, क्या है? तो इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो प्लस वन, तो क्या लेंगे? ये पूरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। नहीं, इसके अंदर से नाइट्रोजन का पूछे तो वही पुरानी मेथड है अपनी जो भी चल रही है सालों से, समझे? नहीं, कभी कभी हमें ये पूछे कि भाई SO4-2 ये जो स्पीसीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आएगा? -2। तो ध्यान रखें, अगर हमें मॉलिक्यूल दिया है या फिर कोई आयन दिया है, क्या दिया है? आयन, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो रूल टू है, लिख दे अच्छे से कि अणु अथवा कोई आयन आप लोग हो तो अणु कुल विजभारा जन ऑक्सीडेशन नंबर है। इफ़ मॉलिक्यूल और आयन इज गिवन देन टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस स्पीसीज, ऐसा कुछ लिखा कि नहीं? तो नहीं लिखना, मत लिखो। आपने लिखा नहीं? सुना तो है ना? सुना भी नहीं? अरे कोई नहीं होता है इस उम्र में ऐसा। रूल टू समझ में आ गया? फिर है रूल थ्री, क्या है? रूल थ्री,
जो हम पढ़े थे वो रूल थ्री था, जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जो हम पढ़ के आए ना बराबर, कि भाई हमारे पास ये है मतलब सी एच फोर, ऐसे कार्बन के नीचे मैं लाइन करता हूँ, फिर बोलता हूँ कार्बन का निकालो, तो आप इसका प्लस वन लेते हो, फिर इसका जो भी ऐसे नहीं निकालते भाई, कार्बन कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, चार, एक हाइड्रोजन का क्या प्लस वन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी, इक्वल टू जीरो, फिर आप निकाल दे कार्बन का माइनस फोर, तो ये रूल थ्री था, क्या था, समझ में आया। तो रूल टू ये है कि भाई जो भी न्यूट्रल स्पीसीज, रूल वन क्या था, न्यूट्रल स्पीसीज का जीरो, खास करके एलिमेंट बराबर, रूल टू था अगर मॉलिक्यूल है स्पीसीज है तो उसका वही है जो उसके ऊपर चार्ज है, रूल थ्री जो हम निकालते थे वो, क्लियर। अब हमें रूल फोर समझना है, क्या समझना है, रूल फोर, रूल फोर के अंदर हम सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बराबर, ध्यान रखना है अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे तो हम कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है हमारे पास बराबर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, तो एक टाइप के कंपाउंड ही है लेकिन वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहचानेंगे कैसे, तो खास करके आपको ऐसा बड़ा ब्रैकेट दिखाई देगा, जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इस टाइप का एक बड़ा ब्रैकेट दिखेगा, ऐसे लिख के दिया होगा, मान लो आपको जो भी K4 Fe CN6, ऐसा ब्रैकेट वाला दिखे, या फिर आपको कुछ भी ऐसा दिख जाए कि भाई Ni, फिर ऐसे CO4, और ऐसा कुछ भी दिखे, तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इसको लिगेंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लिगेंड्स। ब्रैकेट जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, लिगेंड्स, ऐसे नाम से जानते हैं, ये मान लो अंदर CO है तो इसको भी क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, ये जो है इसको क्या कहते हैं, लिगेंड्स, क्लियर। लिगेंड जो होते हैं वो अलग अलग चार्ज के होते हैं, लिगेंड हर एक लिगेंड का अपना चार्ज होता है, मान लो कि भाई ये NH3 है बराबर, या फिर CO है, या फिर H2O है, तो इन सब का चार्ज जीरो होता है, क्या होता है, इनका चार्ज होता है जीरो, समझ गए, या फिर EN है, क्या है, EN है, PN है, इन सब का चार्ज क्या होता है, जीरो। फिर कोई ऐसा है मान लो CN है बराबर NCS है, SCN है, O है बराबर, इन सब का जो चार्ज होता है वो माइनस वन होता है, क्या होता है, माइनस वन, ऐसे माइनस टू वाले भी आते हैं, माइनस थ्री वाले भी आते हैं, अगर इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना हो तो मेरा वीडियो है ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, लिगेंड्स के ऊपर पूरा वीडियो, मेरे को याद करवाना, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँगा बराबर, तू याद करवाना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा बराबर, तो आप हर एक लिगेंड का चार्ज जान सकते हो, उसके अंदर हर एक लिगेंड का चार्ज मैंने लिखवाया हुआ है, मतलब किसी भी लिगेंड का क्या चार्ज है, क्या लिगेंड का क्या नाम है, सब लिखवाया मैंने, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको खाली वही देखना है कौन से लिगेंड पे कौन सा चार्ज है, मतलब आपको ये देखना है कौन सा लिगेंड प्लस वन चार्ज में है, कौन सा माइनस वन में है, कौन सा माइनस टू में है, कौन सा माइनस थ्री में, वो भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, बाकी मैं तो यही बोलता हूँ मैंने जितने लिखे इतने देख लो, इनफ है, खाली इनका चार्ज जीरो होता है इतना पता होगा, इतने का चार्ज माइनस वन है वो भी इनफ हो गया, हैलोजन कोई भी दे माइनस वन चार्ज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी दे माइनस वन चार्ज, ना कभी भी ऐसा आ जाए लिगेंड का चार्ज पता ना हो तो मुझे पूछ लेने का कि सर ये लिगेंड का क्या चार्ज है, क्लियर, बाकी कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ जीरो वाले याद रखना, कौन कौन जीरो वाले, NH3CO H2O ENPN, ये सब जीरो चार्ज वाले लिगेंड होते हैं, और बाकी माइनस वन चार्ज वाले, हाँ आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि लिगेंड के चार्ज कैसे कैसे होते हैं तो 12th का वीडियो है, उसमें पूरा मैंने लिगेंड के बारे में ज़्यादा समझाया हुआ है और हर एक लिगेंड का क्लासिफिकेशन करके उसके चार्ज के बारे में है, गुजराती मीडियम में भी सेपरेट वीडियो है, इंग्लिश का भी सेपरेट है, दोनों के अंदर याद करवाना, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, हॉस्टल वाले यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं, क्लियर, और बाकी जहाँ पर बैठ के देखना वहाँ अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं।
गंबा है कोई, टेंशन में नहीं है ना कोई, गम बिजू नहीं है ना कोई, भाई तो कैसे निकाल दिए है बेवफा शनमदारी बहु मेहरबानी, वो भी है नहीं तो बराबर। गौतम मजा है तो बोला जम दर वक्त लेट है जो है रहा लेट क्या मैं तू दर वक्त तू हाँ तो हेलो आए भाई ले ला आपड़े ये सब कौन नंबर दो तू बतू एलन कौन है बाकी है था बीजू बोली छोकरी आती था एक छोकरी थी पी एक बी छोकरी थी हेतु आ रहा था यात्रा आ रहा था भाई बीजू कौन छोकराओं में बदा आती था कोई बाकी नहीं हाँ मरुड़े ले आना है लेवाना है एक इतला है तो जमा है बधा ने तो याद रखो तमाम मन हलवन नहीं मैं तमने हलवन है हाँ याद रख चल लेवन निकल तो ले हलवन है तो बाकी में लगी दो चल सही टीवी हाल लेजो बताओ नवी नहीं जूनी बाकी हुए अम्मी हाल ले હશે તો ખરા જ પણ આ તો ખાલી વાત છે હમણાં મૂડ નહી મારો લિસ્ટ નીકળવાનો એટલું નીકળતો નહી બાકી આ તો મહિના રહી ગયા હોય ભૂલથી કદાચ યાદ ના આવ્યું હોય તમને તો તમે તમારી રીતે હાથે પટાવી દેજો એ મું નીકાળે લિસ્ટ ખોટું પેનલ્ટી લાગશે દાલ દેજો હવે માં તો નહીં કોઈ જોડે ચાલો તમે હાલ લેવાનું એટલે ખોટું આપણો ટાઈમ ના બગડે ક્યાં હતા રોલ ફોરમાં સમજો હવે કેવું કહે તમને હાલ કે ફોર એફઈ સી એન સિક્સ તમને ના કહે તો તમારે આનંદ વધવાનો अगर आपको बोल दे कि भाई एफ ई का निकालो तो ठीक है ना बोले ना तो भी हमें इसका ही निकाल लेगा जो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल हो उसका ही निकाल लेगा तो उसका अंदर जो धातु है एनोड उद्वान समझे कैसे निकालेंगे चलो कितने के हैं चार के हैं बराबर तो चार समझे कि नहीं कितने के हैं चार तो क्या लेंगे चार के का क्या होता है प्लस वन के का क्या होता है प्लस वन प्लस जो करते थे भाई एफ ई का निकालना है तो एफ ई बहुत सारे टीचर यहाँ पे एक्स लिखते हैं वो स्टाइल होता है उनका मैं स्टाइलिश नहीं हूँ आपको पता है एकदम सिंपल आदमी हूँ है ना तो एफ ई चलो क्यों खुश थे क्या कितने सी एन है छः है ना छः सी एन का क्या होता है माइनस वन यहाँ भी लिखा है सी एन एस सी एन ये सब किस में होते हैं माइनस वन तो सी एन का मिला के माइनस वन है क्या है माइनस वन ये लिगेंड है हर एक लिगेंड का हमें पता होना चाहिए क्या होता है माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है फोर वन जा फोर प्लस एफ ई सिक्स वन जा माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू एफ ई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस टू इस तरफ आएगा एफ ई क्या हो जाएगा प्लस मस्त लागे ना भाई सरस ये हम जी गए भाई सर हम जी गए इंग्लिश मीडियम में तो हिसाब चुकते हैं ना अपने
ख्याल देता था ठीक है चल जी तू बाकी बाकी फी के पैसा फीज नहीं पूछते हूँ આપણો આપણો પ્રશ્નલ હિસાબ આપણો કોઈ હિસાબ બાકી અંદર અંદર બુક બુક ના કોઈ એવું હા લીધા હતા ને હા એવા ફીનું નહીં પૂછતો એલન ના કે કોઈ બુક લઈ આવી હોય કોઈને કે એટલે મને હાલવાના છે મિત તો મુજે દેને કે બાકી આપકો દેને મુજે મિત કો દેને કે 200 ઓકે ना हमड़े भाई कोई जोड़े थे लेने के मेरे को पूरे इंग्लिश मीडियम में कोई जोड़े थे नहीं लेने के अल्लाह दिवाली भी हार नहीं है जेठला आवे बस आलवन निकले आलवन निकले कोई उन्हीं के तो लेवन निकले हाँ कौन सी बाकी नंबर बताना मेरे को करवा देते तू कंपेयर करके बता देना ये बाकी मैं लिख के देना करवा देना हाँ याद करवा दे खाली मैं बुक बता दे कौन सी वो निकालनी पड़ेगी अब घर पे मिलेगी नहीं नहीं मैं इतनी ढूंढे इससे अच्छा नहीं करवा दे आपको फेंक दिए घर बराबर भाई बहुत काम वाला बहन आई सफाई करे जेटलन जरा उसने दयान करता बता पैसा ही लैसे थोड़ा दिवाली साफ सफाई काटवी पड़े ना बदी एवं कराए क्यों था खोटी मार पड़ेगा तू फ्रेक्चर जाए भाभी गुस्सो तब देखो नहीं कशु है अपने वायर वालों गुस्सो तो कशु नहीं है हूँ एन जोड़े सीखू अमुक वार तो गुस्सो करवा दो हैप्पी टू प्लस देखो भाई ऐसा सीओ एन एच थ्री सिक्स सी एल सी अभी किसका ढूंढेंगे सीओ का ढूंढेंगे किसका ढूंढेंगे सीओ चलो ढूंढो कैसे एन एस थ्री का कितना लिखा है मैंने ओहो चलो पूछ रहा है कि आंसर दे रहा है तो ऐसा मुंह बना आंसर दे रहा है वैसा बराबर है प्लस थ्री देखो कैसे है सीओ का ढूंढना है तो इसको सीओ लिखेंगे एन एच थ्री कितने छः लेकिन एन एच थ्री किसमें आता है जीरो पूरा एन एच थ्री जीरो लिगेंड में लिखा दिया मैंने समझे कि नहीं प्लस तीन और एक क्लोरीन का माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन फाइनली गैस करते हैं अब सीओ सिक्स जीरा जीरो आता है ना टेबल जीरो का हाँ थ्री बन जा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री सेट जाएगा प्लस थ्री क्या आएगा सीओ प्लस थ्री इजी है बिल्कुल चलो सी आर सी ओ सिक्स ध्यान रखना ये सी ओ अलग है ये कोबाल्ट क्या है कोबाल्ट एक्चुअल में ये ओ है ही नहीं ये ओ है नहीं अब ये तो क्या है कि पहली क्लास से हम ऐसे बोलते आए हैं कि कोबाल्ट सी ओ बाकी ये कोई ओ नहीं है ये एक सिंबल है खाली भाई खाली अकेले सी लगते तो कार्बन हो जाता इसीलिए कार्बन ना बने इसीलिए हमने खाली ऐसे ही इसके ऊपर ऐसा कर दिया था सीओ ये ओ नहीं था ये सीओ अलग है ये सीओ वो सीओ है जो सीओ मैंने सीओ करवाया लिखवाया है कहीं अंदर कार्बन ऑक्सीजन वाला सीओ है निकालो इसका सीआर का जीरो आएगा भाई क्या आएगा जीरो कैसे ऐसे समझे चलो सी आर का सी आर रखे
और ये CO कितने हैं? 6। और एक CO का क्या लिखा है मैंने? 0 is equal to 0, 6 जीरा 0, सामने भी 0, 0 इस तरफ जाएगा, 0 ओवरऑल सब कुछ 0। फिजिक्स जैसा लग रहा है ना, फिजिक्स वाले यही करवाते हैं, 3-4 पेज भरवाते हैं फिर आंसर लाते हैं 0। साले ऐसे एग्जांपल ही क्यों गिनवाते हैं, ऐके नहीं 3-4 पेज भरवाएंगे, ये रूल अप्लाई करो वो रूल अप्लाई करो, इसके ऊपर से ये निकालो वो निकालो, हाथ में आएगा लोटा। फिर बोलते हैं फिजिक्स इज किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मैथ्स इज क्वीन एंड फिजिक्स इज किंग, ऐसा कुछ लिखा है बुक में। तो हम क्या है बच्चे? नल्ले को आता नहीं था तो क्या करते, केमिस्ट्री एक्सेप्शन ठीक है, बाकी कोई वो जितना बोल रहा था इतना घटिया सब्जेक्ट नहीं है, उसको नहीं आता है तो क्या करे, एक्सेप्शन आते हैं, ऐसा नहीं नहीं आते, आते एक्सेप्शन, थोड़ा एक्सेप्शन आता है, इतना भी कोई नहीं है, उसको नहीं आता तो क्या करे। हाँ अभी क्या है भाई, उसको उसने क्या है पहले मेरे को रोल ऑफर किया था। बता देता हूँ पूरी बात, कोटा फैक्ट्री में भी मैंने प्राइस ज़्यादा बोला तो उसको जली, फिर उसने वो जीतू भाई को रोल ऑफर करके फिजिक्स का टीचर ले लिया, तो केमिस्ट्री वालों ने क्या ज़्यादा पैसा बोला मना किया, तो डायरेक्टर को क्या मिर्ची लगी थी, तो उसने केमिस्ट्री का थोड़ा बुरा दिखाया, समझे नहीं, बस और कुछ नहीं। मैं यार ऐसे क्यों काम करूं, कोई हॉलीवुड की मूवी है तो चलो काम करूं, पर्सनालिटी सूट भी करे इसमें थोड़ी यार, अपना भी कोई इज्जत है कि नहीं। आ गया आप, चलो इजी एकदम आ जाएगा सब। K2HgI4 इसके अंदर एच जी का निकालो, इसको नेस्लर रिएजेंट बोलते, क्या बोलते, नेस्लर रिएजेंट, नेस्ले का चॉकलेट आता है वैसे, ये नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर प्रक्रियक 6। ए भाई ओ माय, तुम नहीं बोले सिक्स, टू आएगा, टू क्या आएगा, चलो अब एक ड्रॉ कर रहा हूँ उसका निकालना, नहीं आले कोई, हम जोशे नहीं खबर,
एज आपसे जीरो, ये खाली इसका स्ट्रक्चर है, समझे कि नहीं? जीरो आएगा, क्या आएगा? जीरो। इसका तो आता है ना, इसका क्या करेंगे? टू सी ओ करेंगे ना। मान लो इसका निकालना होता क्या होता, दो। इसका निकालना होता कैसे निकालते? दो, हाँ दो, फिर सी ओ प्लस एट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो फिर जीरो ही आना था। इसका भी जीरो ही आएगा, खाली ये तो ऐसे ही खाली ड्रॉ करके ऐसे दिखाते हैं। ब्रिज कंपाउंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रिज, ब्रिज समझते हो? बन रहा है अपना ब्रिज धनेरा का कितने साल से हाँ आप देखना, यहाँ है ना कृषि के बच्चे पैदा हो गए तब भी इसका काम चालू होगा, मैं गारंटी से बोल देता हूँ, इतना स्लो चल रहा है काम, समझ गए? सही में डीसा वाला इससे चार गुना बड़ा है, बन जाएगा थोड़े दिन में। बस अब हमें मत दे, नहीं बोलूँ कुछ तो ये जीरो हो गया। चलो ऐसा कुछ भी ड्रॉ करके दे ध्यान। ब्रिज कंपाउंड क्यों बना? ये ब्रिज बन रहा है, झूला झूल रहे हो नहीं बीच में, ऐसे ब्रिज जैसा लग रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कंपाउंड। सेतु संयोजन गुजराती में क्या भाई? सेतु, राम सेतु, रामा ब्रिज इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। खबर नहीं है राम कौन था इंग्लिश में, भगवान था वो इंग्लिश मीडियम लॉर्ड रामा, आखिर संस्कृत नहीं वार्ता गाड़ी मेल दी थी इंग्लिश मीडियम वाह ऊपर दी फॉर्म मोड है वाह पर्सन जोड़े हमने ऊपर दुनिया है खबर के ऐसे भी सोचा था है कि नहीं सु खबर है जो है इजी है ना कहाँ थे दूसरा एक होता है अमालगम क्या होता है अमालगम अमाल बरोबर है कंप्लीट ए से चालू हो रहा है एम पे खत्म हो रहा है अमालगम समझ में आ गया बस अमालगम अब उसके अंदर ध्यान रखो अमालगम क्या है किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ अगर कंपाउंड बना है किसके साथ मर्क्यूरी समझते हो ना पारो देवदास की एक्स समझ गए ना फिल्म देखी नहीं नहीं आप फिल्में देखी आपने नहीं आप पढ़े चलो तो ध्यान रखना है अमालगम मतलब किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो भी मतलब बनता है उसको क्या बोलते हैं अमालगम मान लो सोडियम और मर्क्यूरी का जो बना तो उसको सोडियम अमालगम कहते हैं क्या कहते हैं सोडियम जिंक और मर्क्यूरी का बना तो उसको जिंक अमालगम ऐसे किसी की किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो भी बनता है उसको उसका एमालगम बोलते हैं एमालगम के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है और मर्क्यूरी का भी जीरो होता है तो भाई ढूंढने का नहीं डाया होगे समझ गए मान लो आपको पूछे सोडियम एमालगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो कुछ लोग क्या है जो भी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो ढूंढते हैं ऐसे लाइन कर करके समझे हम ढूंढेंगे नहीं क्या आएगा जीरो तो लिख दो ये रूल लिख दो अमालगम कंपाउंड के अंदर मेटल और मर्क्यूरी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है गुजराती में लगो अमालगम संयोजनों मा धातु अने पारो नो ऑक्सीडेशन आग शून्य होय छे मजा आई ना गुजराती वाला नहीं आई हाँ जी वैल्यू है गुजराती मीडियम में आओ है तो कोई कहता ना
अंदर। चौथा मैन वॉच मे गुजराती भाई जो अच्छी बात नहीं भाई बन અને ટેન્શન થતું હશે કે આ સાહેબ રોયલમાં ઉભારીને આવું બોલે આ પ્રોજેક્ટર જ હારાયો મેં બદલાઈ માર્યું હતું એક પડ્યું હતું કપાટમાં ચેન્જ કરીને એવું પાછું મૂકી દીધું એટલે ખબર પડી ગઈ એક મોટા વાળા આગળ મોટું આવું ને એકમાં નાનું હોય નાના વાળા એને બધા લાઈટ મારે એટલે આ જે નાટક હારા હવે એક ફોરકે લવરી દેવું સાહેબને વાત કરી પછી થોડા દિવસ અહીંયા રાખવું હોય પછી કે છોકરા ફોરકે ફોરકે વગર એમ કઈ લઈ જવું समझ में आया ना अमालगम में क्या होता है जी बता सीरियस ना था पहले भाई कॉम्प्लेक्स में समझ में आया ना कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का हम ढूंढते हैं क्या कहते हैं ढूंढते हैं बराबर ना उसके अंदर लिगेंड में ध्यान रखना जीरो वाले लिगेंड कौन से थे CO NH3 और NH2 चलो एक देता हूँ आप निकालो NiH2O4 2+ इसके अंदर Ni का निकालो प्लस टू क्योंकि एच टू होगा प्लस टू समझ में आया किसका है प्लस टू प्लस टू किसका है ये इसका नहीं तो इसका क्या है इसका ये प्लस टू पता आ गए ना होता का ऑक्सीडेशन नंबर था क्या था एक बार बोल के दिखाओ तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ना इस बायो पेज नाम एक करके भी दे दे नहीं पढ़ना बायो एमलगम समझ में आ गया फिर ये मेरे को भी नहीं आया खाली इनको पूछ रहा फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला समझ में आ गया ओके दूसरा एक होता है ऑर्गेनिक का लेकिन ऑर्गेनिक अभी समझ में नहीं आएगा आपको और एक होता है एक्सेप्शन बराबर अब ये समझ रहा है हमें ऐसा थे Fe3 भाई ये तो आपको बाहर जाएगा इतना आपका है नहीं मतलब जो बोलते हैं ना साइज PtCN6 और PtNH3 6 ऐसा लिखा है हमें बोल रहा है यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो क्या निकालो निकालो आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स ही है लेकिन डबल ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थ्री आएगा देखो कैसे ये पीटी है और ये भी पीटी है तो आप ले लो टू पीटी है दो पीटी है एक पीटी दो पीटी टू पीटी समझ गए फिर ये कितने छः और सी एन क्या होता है माइनस वन ये तो आ गया प्लस कितने छः एन एच थ्री क्या होता है जीरो इज इक्वल टू तो टू पी टी सिक्स बन जा माइनस सिक्स जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो तो पी टी इज इक्वल टू सिक्स बन जा माइनस सिक्स होता है तो टू पी टी इज इक्वल टू क्या होगा
प्लस सिक्स, तो पी टी क्या होगा? सिक्स बाई टू, पी टी होगा थ्री, मतलब ये भी थ्री वाला नहीं है, भी थ्री वाला। चलो एक ये देख लो, इसका कर दो ए जी एन एच थ्री ट्वाइस, ए जी एस सी एन ट्वाइस, ए जी एस सी एन ट्वाइस, इसके अंदर ए जी का निकाल लो बराबर। कल भी हमारा टॉपिक यही है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा आगे समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। एस सी एन ट्वाइस, कल भी यही टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा आगे सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वन आएगा भाई, वन, इसका भी प्लस वन आएगा, इसका भी प्लस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू नॉट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।